दोस्तों कलयुग में लगभग हर व्यक्ति आधुनिक जीवन शैली के मुताबिक अपना जीवन यापन कर रहा है। कामयाबी और धन दौलत की चकाचौंध को पाने के लिए जाने अनजाने में इंसान ना जाने कितने ही पाप कर बैठता है और खुद को पाप का भागीदार बना लेता है। दोस्तों हर व्यक्ति अपनी नींद चैन और सुकून सबको दांव पर लगाकर दिन रात बद पैसों के पीछे दौड़ रहा है ताकि इन पैसों से वो अपने और अपने परिवार के लिए सुख सुविधा के सारे अत्याधुनिक साधन जुटा सके। दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं है कि कलयुग में कई तरह के पाप बढ़ गए हैं और इंसान जाने अनजाने कई पापों का भागीदार बन रहा है। लेकिन दोस्तों इससे भी हैरत की बात तो यह है कि द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाले पापों की भविष्यवाणी की थी जो आज बिल्कुल सच साबित हो रही है। दोस्तों हालांकि कलयुग में बढ़ते पापों के बीच भी इंसान भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई इन चार बातों को ध्यान में रखकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में जान लेते हैं जिंदगी को आसान बनाने वाली श्री कृष्ण की चार खास बातें। लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाएंगे। रोजाना इसी प्रकार के आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों जानते हैं अब उन चार खास बातों के बारे में जरा विस्तार से। दोस्तों नंबर एक, गुप्त दान करना। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति कलयुग में दान करता है उसका जीवन आसान हो जाता है। दान करने का अर्थ है किसी जरूरतमंद को वो चीज मुफ्त में मुहैया कराना जिसे पाने के लिए वो सक्षम नहीं है। दोस्तों हालांकि दान करने से पहले या बाद में किसी को भी अपने द्वारा किए गए दान के बारे में नहीं बताना चाहिए क्योंकि दान वही होता है जिसे गुप्त रखा जाए। दोस्तों नंबर दो, जप और ध्यान। कलयुग के इस आधुनिक युग में लोगों के पास भगवान की पूजा पाठ करने के लिए समय नहीं है। दोस्तों आज के इस दौर में कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो रोजाना ध्यान और जप करते हैं। दरअसल सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही पूजा पाठ नहीं की जाती बल्कि पूजा पाठ इंसान को उसकी अंतरात्मा से जोड़ता है। नियमित रूप से जप और ध्यान करने वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को पहचान कर उनसे सुधारने की कोशिश करता है। दोस्तों नंबर तीन है, आत्म संयम रखना। पैसों के पीछे भागते भागते कई बार व्यक्ति का मन और दिमाग दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और जाने अनजाने में व्यक्ति कोई ना कोई पाप कर बैठता है। लेकिन दोस्तों गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए ज्ञान के अनुसार मन और दिमाग दोनों को काबू में करने के लिए आत्म संयम का होना बेहद ही जरूरी माना गया है। और दोस्तों नंबर चार और लास्ट पॉइंट, सत्य बोलना। जी हां दोस्तों, कलयुग में सत्य पर असत्य इतना हावी होने लगा है कि सत्य और असत्य का पता लगाना किसी भी इंसान के लिए बेहद मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बातों से यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो सच बोल रहा है या झूठ। इसलिए दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने कहा है जो व्यक्ति कलयुग में हमेशा सत्य के मार्ग पर चलेगा उसका जीवन आसान हो जाएगा।
दोस्तों बहरहाल मान्यताओं के अनुसार श्री कृष्ण की बताई गई इन चार अहम बातों पर चलना कलयुग के इंसानों के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो व्यक्ति इन चार बातों का पालन करेगा उसका जीवन बेहद आसान हो जाएगा और वो जीवन में सफल भी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।